हे व्हाट्स अप गाइस, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर टेक में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं इसका डब्बा खोल पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि जब ये मेरे पास रिसीव हुआ था उसको टेस्ट करना आपके लिए, आप सबको बताने के लिए। यार वीडियो बनाने से पहले कौन यार इसमें इतने एक वीडियो इसकी बनाएगा, फिर उसके बाद इसका रिव्यू डालेगा। मैंने सोचा सब कुछ आपको कंबाइंड करके आपको इसी वीडियो में बता दूं, ठीक है ना। आपको दूसरी वीडियो पे जाना पड़े, 5-10 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें आपको जो है सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई साहब इसका रिव्यू कैसा है, इसका प्राइस कैसा है, मतलब इसकी अनबॉक्सिंग भी आप देख के खुश हो जाओ। तो दोस्तों कुछ नहीं था, बस इसके अंदर ये डब्बा आया था, ठीक है ना। डब्बे के अंदर ये था एकदम परफेक्ट साइजिंग के हिसाब से, और मैंने इसे निकाला था और बाकी कुछ नहीं, ठीक। और डब्बा खोल मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो दोस्तों साइड में देख लेते हैं, इसमें जो है आपको दे रखे हैं सारे कलर ऑप्शन, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, वाइट वगैरह वगैरह जो भी है। और एक ये जो मिलिट्री वाला है, ये मेरे को ज़्यादा जो है अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे लिया ही नहीं। इसलिए मैंने लिया है दोस्तों रेड कलर। तो दोस्तों आपको इसके अंदर जो है रेड कलर का देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सब में पहले बता देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ। पहली बात, पोर्टेबल है, ठीक है। ब्लूटूथ स्पीकर है तो यार पोर्टेबल नहीं होगा तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक। उसके बाद ये जो है वायरलेस है। उसके बाद पेयरिंग टाइम, यानी कि 3 से जो 4 घंटे जो बोल रखा है ना दोस्तों, इसके हिसाब से जो है ये ज़्यादा चली जाता है, ठीक है ना। मैं कहूँगा ये 8 से 9 घंटे तो आराम से चली जाता है, ठीक है। मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ मैं इसकी टेस्टिंग कर चुका हूँ, उसके बिहाफ पे जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर जो है आपको USB का सपोर्ट मिलता है, और साथ में साथ आपको इसके अंदर जो है माइक भी मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा माइक के फायदे क्या है। इसमें तो बस कॉल रिसीव करने के लिए दे रखा है, लेकिन मैं आपको और भी प्रॉफिट बताऊंगा इसके क्या है। सो दोस्तों इसमें जो है स्प्लैश प्रूफ, यानी कि है जो स्प्लैश वगैरह पानी की छींटे या बारिश वगैरह में अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके जो कंट्रोल्स होते हैं वह ऐसे दिखते हैं। अब मैं इसका जो है डब्बा खोल कर लेता हूँ। राइट में आपको देखने को मिलता है कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब अपने अपने तो काम का ही नहीं है कुछ भी। और डाउन में कुछ नहीं, पीछे यही पीछे यही। तो इसको बस डब्बा खोल करते हैं, ऐसे मैं स्लाइड करूँगा ये बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो है इसका तो हमें कुछ काम ही नहीं है, तो इसे मैं फेंक देता हूँ साइड में। सो साइड जा, हट तेरी, अब फोकस हो जा। अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा अनबॉक्स। तो इसके अंदर जो है आपको सब में पहले देखने को मिलता है ये जो है ब्लूटूथ स्पीकर। सो दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर को हम निकाल लेते हैं बाहर। वैसे ये पिन्नी में आया था, मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ और यूज़ भी कर चुका हूँ। और बाकी इसके साथ जो है आपको ये एक डेटा केबल मिलती है चार्जिंग के लिए। मैं चार्जिंग करके टेस्ट कर चुका हूँ, मैंने 100% चार्ज करा था। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको प्ले करा था पूरे दिन पर इसका बैकअप जानने के लिए, ठीक है। और बाकी इसमें नीचे छोटा सा एक पेपर वर्क मिलता है, जिसमें एक तो पहले ये जापानी, पता नहीं चाइना, मेरे को तो पता ही नहीं जापान की कैसी लैंग्वेज होती है, चाइना की कैसी होती है। और बाकी पीछे में तो आपको वही यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश में दे रखे हैं सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह। आप पॉज करके देखना चाहें तो देख लेते हैं, वैसे बाय द वे कोई पढ़ता ही नहीं है ये सब फालतू की चीज़ें, ठीक। अब बढ़ते हैं हम अपनी इस वीडियो में आगे की तरफ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्वालिटी, जो आपको इसके इसका जो है डेटा केबल मिलती है, ये डेटा केबल नहीं है, इसका मतलब चार्जिंग केबल ही है, ठीक है। ये जो चार्जिंग केबल है फोकस, ठीक है, इतनी मतलब कुछ खास नहीं, लो क्वालिटी की, एकदम लो जो होती है ना, लो वाली क्वालिटी, ठीक। हाँ एक बार को अच्छा काम करेगी, भाई इसको चार्ज करने के लिए चाहिए ही क्या, ठीक है। लो क्वालिटी हो, हाई क्वालिटी हो, हाई क्वालिटी से करोगे जब भी चार्ज होगा, लो से करोगे जब भी चार्ज होगा, लाइफ तो होती नहीं है इसकी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ज़्यादा लाइफ होगी, ठीक है। और बाकी हम बात कर लेते हैं स्पीकर के बारे में, ठीक है। आपको ऊपर की तरफ जो इसके कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ये है प्लस ये माइनस। तो दोस्तों अगर इसे प्रेस करे रखोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, या एक बार क्लिक करोगे तो आगे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट सॉन्ग बजेगा, ठीक है। ये माइनस है, वॉल्यूम कम, और इससे जो है एक पीछे वाला गाना हो सकता है। ये बाकी बीच वाला जो है ये कॉल रिसीव करने के लिए और प्ले एंड पॉज करने के लिए। और ये बाकी मोड है, इसके अंदर जो है आपको 3 मोड मिलते हैं, ठीक है। पहला मिलता है FM, दूसरा मिलता है ब्लूटूथ, और थर्ड मिलता है USB, या फिर जो आप माइक्रो जो इसके अंदर SD कार्ड जो है लगा सकते हो, ठीक। और बाकी मैं आपको बता दूं ये जो है आपको माइक के लिए मिलता है, और ये जो है आपको LED नोटिफिकेशन जो लाइट होती है ना, नोटिफिकेशन वाली लाइट कि पेयर हुआ है, नहीं हुआ है, चार्ज हो रहा है, नहीं हुआ है, ये वगैरह के लिए जो है आपको ये लाइट मिलती है। अब बात कर लेते हैं हम इसके पोर्ट्स की तरफ। सो दोस्तों पोर्ट्स में आपको जो है आपको मिलता है एक तो USB, ठीक है, मेन USB, USB A, और आपको एक SD कार्ड का मिलता है, माइक्रो SD कार्ड का, और एक ये है जो है आप ऑक्स का मिलता है। आप ऑक्स लगा के जो है अपने मोबाइल के थ्रू जो है डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी में ब्लूटूथ नहीं है, नहीं मतलब ब्लूटूथ तो सब में ही होता है, ठीक है, मतलब ऑक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द केस अगर आपका ब्लूटूथ जो है प्रॉपर तरीके से रेंज नहीं ले रहा, या फिर आपको हाई क्वालिटी का जो है म्यूज़िक
सुनना है, ठीक है। और बाकी आपको जो है यहाँ पे माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, उसके ऊपर आपको छोटा सा एक और होल मिलता है जिसके अंदर जो है वही एक एलईडी लाइट है जो आगे है ना, वही दिखती है आपको यहाँ पर भी जब चार्जिंग होते वक्त टाइम पे, ठीक। और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। डीसी 5 वोल्ट पे जो है ये स्पीकर जो है ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज होता है, और टीएफ यानी क्या है वही एसडी कार्ड और यूएसबी, और यहाँ पे ऑक्स का ऑप्शन मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी में कहूँ तो कॉपी तो बनाई गई है, बाय द वे ये एकदम JBL का कोई स्पीकर है उसकी, ठीक है। ये मैंने जो है ऑनलाइन खरीदा था उसकी वजह से जो है यहाँ पे, अगर ये आप, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसे किसी स्टोर से लोगे तो आपको यहाँ पे एक मस्त सा JBL का जो है फर्स्ट कॉपी वाला जो है स्टिकर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिक का होगा जो भी होगा बट है, ठीक है। लेकिन ये बिक रहा था ऑनलाइन, अब ऑनलाइन तो स्कैम हो नहीं सकता, फ्लिपकार्ट बढ़िया ब्रांड है तो उसके ऊपर अगर कॉपी बेची जाएगी अगर JBL की तो भाई वो डाल देंगे उनके ऊपर स्कैम का, ठीक है। तो स्कैम से बचने के लिए यहाँ से स्टिकर हट चुका है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें आपको जो है एक यहाँ पे स्पीकर मिलता है, एक यहाँ पे स्पीकर मिलता है, ठीक। 5 वोल्ट का यह है, 5 वोल्ट का यह है। अब पता नहीं भाई पेपर वर्क में तो 5 वोल्ट है, चाइना का माल है, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक। और बाकी बात कर लेते हैं हम इसके बैक की साइड में, आपको कुछ नहीं मिलता अगर इसका टेयर डाउन मैं करूँ इन द फ्यूचर, ठीक है। आप कर लो यार चैनल को सब्सक्राइब, और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो इसको कर देना लाइक। और मैं आपको नीचे बता दूँ ये फालतू का जो है ना ये दे रखा है कि इन द वारंटी वगैरह वगैरह, मतलब ये फॉर्मेलिटी के लिए लगा रखा है, मतलब यूजलेस, ठीक। और बाकी ये जो नीचे जो पैडिंग दे रखी है ना, मतलब ग्रिप बनाने के लिए जिससे ये हिले नहीं, ठीक है, तो ये पैडिंग भी ढंग से प्लेस नहीं करी है इन्होंने, देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आउट जा रही है थोड़ी सी, फिर भी अब 400 रुपये में आपको क्या ही मिलेगा, ठीक। बाय द वे इसकी प्राइसिंग 400 रुपये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, मैंने 399 में जो है इसे ऑनलाइन परचेज कराया फ्लिपकार्ट वेबसाइट के ऊपर से। सो दोस्तों इसके साथ भी मैंने कुछ और प्रोडक्ट बाय करे थे जिससे मेरे को मिले फ्री की शिपिंग चार्जेस, मेरे पे प्लस मेंबर तो है नहीं इसलिए मैंने और सामान लेने ही पड़ेगा कम से कम 550 रुपये के, जब जाके तो मेरे को ये मिला है बिना किसी डिलीवरी चार्जेस के, ठीक है। और ये इसकी डाटा केबल है, इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में, और बात कर लेते हैं उसके स्ट्रैप की। तो दोस्तों स्ट्रैप की ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी है, ठीक है। ज़्यादा खींचोगे तो भगवान जाने टूट जाए, अभी मेरे को यूज़ करना है तो भगवान ही मालिक है टूटे ना टूटे। और बाकी अब मैं जरा इसे पेयर वेयर करके दिखा देता हूँ आपको कि मतलब इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक। अब जरा दोस्तों इसे पेयर करके देख लेते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी जो है मैं आपको स्टार्ट करके सुना देता हूँ। क्या भाई क्या बूटिंग साउंड है, ठीक है ना। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, मैं जरा ब्लूटूथ में देख लेता हूँ। ये रहा, देखिए ये है जो शो कर रहा है 3113, मतलब T113 के नाम से। तो दोस्तों मैं इसका कर लेता हूँ पेयर, और पेयर करने के बाद कुछ ऐसी साउंड आती है, ब्राइटनेस थोड़ी कम, ठीक है। ठीक है ठीक, पेयर हो जा। पेयरिंग में थोड़ा सा इशू है क्योंकि ब्लूटूथ 4.2 का जो है इसके अंदर जो है आपको वर्जन देखने को मिलता है। ला 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 यार, वीडियो बनाने में ऐसा ग्लिच होगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। अरे इनकरेक्ट बता रहा है, कनेक्टिंग। सो दोस्तों कनेक्ट हो चुका है, मैं जरा आपको साउंड क्वालिटी दिखा देता हूँ। अब मैं जरा जाता हूँ कहाँ पे, यूट्यूब का है हमारा, ये रहा यूट्यूब के अंदर आपको साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। सर्च करते हैं हम NCS, आप जानते हैं यार NCS क्यों, क्योंकि आ जाए ना आ ना जाए। सो दोस्तों साउंड क्वालिटी अब मैं आपको दिखा देता हूँ NCS का कोई म्यूजिक बजा के, जैसे हम कार्टून बजा लेते हैं ऑन एंड ऑन। साउंड बढ़ाता हूँ मैं बॉक्स की, पहले इसकी कम करता हूँ ब्लूटूथ। ये मैक्स साउंड करने पे ऐसी आवाज आती है आपको, अब देख सकते हैं ये 50% साउंड है। अब आपको कैसी आ रही होगी आप बताइए, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ फुल। आवाज आ रही है मेरी, गेस कर लीजिए कैसी क्वालिटी होगी। And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go.
एक और सॉन्ग प्ले कर लेते हैं हम, ये वाला गोल्ड मल्टीपल क्रीम है। अरे स्ट्रीमी यार, आपका ऐड ग्लो ऐड ऐड ऐड, 100% हटा ज्यादा दे नंबर। ग्लिसरीन युक्त पेयर्स दे गोल्ड। एक और सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं जरा हम, ये वाला मोर्टल्स। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो ऑडियो क्वालिटी इस स्पीकर की? बाय द वे मैं आपको बता दूं, यूट्यूब से अगर आप फुल साउंड करके प्ले करेंगे सॉन्ग, तो ओवरऑल स्पीकर की जो है साउंड नहीं फटेगी। अगर आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करी, जैसे प्री इंस्टॉल जो एप्लीकेशन होती है डाउनलोड करे हुए म्यूज़िक को बजाने के लिए, म्यूज़िक वाली जैसे ये वाली, तो आपकी जो है 90% साउंड के बाद जो है आपकी साउंड फटने लगती है, ठीक। और बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी साउंड क्वालिटी। और बाय द वे अगर मेरे को प्राइस टू परफॉर्मेंस की अगर बात करें, मार्केट में 400 के हिसाब से इससे अच्छा स्पीकर आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ बाय द वे ये हो सकता है कि आप दूसरा स्पीकर लें, लेकिन उसमें आपको 5 वर्जन मिल जाए ब्लूटूथ का, लेकिन इतना कुछ नहीं मिलेगा, 10 वॉट आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको इतनी अच्छा डिज़ाइन नहीं मिलेगा, बेशक ये कॉपी हो लेकिन अपने को तो डिज़ाइन से लेना देना है, ठीक। और बाकी नीचे तो कोई देखता नहीं है, पैडिंग वगैरह थोड़ी सी साइड में है लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेजर। बाकी क्लॉथिंग वगैरह इन्होंने एकदम परफेक्ट कर रखी है इसके ऊपर, और इसका जो है लटकाने वाले ये भी ठीक ही है, ठीक है। अब बताइए आपको कैसा लगा ये। और बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।